मां भारती की रक्षा में महज 26 साल की उम्र में प्राणों का बलिदान देने वाले शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की बलिदान का पहचान को शीर्षक रहा है। आज तक इस वीर सपूत के नाम पर बाल स्कूल का नामकरण नहीं हो पाया, इसका मलाल शहीद के परिजनों को आज तक है। हालांकि शहीद के नाम पर एक चौक का नामकरण भी किया गया है, इसे शहीद मृदुल चौक के नाम से भी जाना जाता है। वहीं शहीद के नाम पर पार्क का निर्माण भी किया गया है। शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के शहीदी दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर विधायक नरेंद्र ठाकुर, उपायुक्त हरकेश मीणा, अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम, एसडीएम डॉक्टर चिरंजी लाल शर्मा, सैनिक कल्याण विभाग के ओएसडी अनुपम ठाकुर सहित अन्य लोगों ने पुष्प मालाएं अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया। शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की यूनिट 514 AAD रेजिमेंट SSC ग्वालियर से आए नायब सूबेदार सत्यवीर सिंह शेखावत, सिपाही प्रसन्नता कुमार, पंकज कुमार व दिनेश सिंह ने उन्हें सलामी दी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा 1 जनवरी 2004 में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए कश्मीर में शहादत का जाम पिया था। शहादत के बाद सेना ने मृदुल शर्मा को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया था और प्रदेश सरकार ने भी कई घोषणाएं की थी, जिसमें शहीद के नाम पर भव्य स्मारक के अलावा सुजानपुर चौक पर स्मारक बनाया गया था। हर साल के पहले दिन शहीद मृदुल शर्मा की शहादत को याद करके परिवार की आंखें नम हो जाती हैं। भारत सरकार ने शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा को सेना मेडल वीरता सम्मान मरणोपरांत दिया था और उस दिन से लेकर आज दिन तक हर साल शहीदी दिवस के आसपास 514 रेजिमेंट के जवान घर पर आकर हालचाल पूछते हैं, जिससे शहीद की शहादत के प्रति सेना की गंभीरता को देखा जा सकता है और इस तरह सेना के द्वारा हर साल हालचाल पूछे जाने पर परिवार जनों में भी अपने बेटे की शहादत को लेकर गर्व महसूस होता है। शहीद के भाई मुकुल शर्मा ने बताया कि आज शहीद कैप्टन मृदुल की शहादत को 16 साल पूरे हो गए हैं और आज के दिन ही शहीद हुए थे। उन्होंने बताया कि परिवार को नव वर्ष के अवसर पर शहीद होने की सूचना मिली थी और पूरा परिवार गमगीन हो गया था। उन्होंने बताया कि रात के 11 बजे आतंकवादियों से गोलियां लगी थी, लेकिन 9 किलोमीटर तक का सफर तय किया था और रात करीब 1 बजे अपनी फौजी साथियों को अपना साहस दिखाते हुए रुकने के लिए कहा था और प्राण त्याग दिए थे। कैप्टन मृदुल शर्मा की शहादत को 15 साल पूरे हो गए। 1 जनवरी 2004 को सुबह 1:30 बजे 11:30 उनका एक एनकाउंटर हुआ था। 22 मिलिटेंट्स का हाइड आउट था, उसमें उनको 4 गोलियां लग गई थी 11:30 बजे। तो 1:30 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी और अपनी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान, अपनी जान कुर्बान करके दिया। हर साल इनकी जो पेरेंटल रेजिमेंट है एडी एयर डिफेंस आर्टिलरी 514 जो आजकल ग्वालियर में है, वहाँ से एक सूबेदार साहब और 3 जवान आए हुए हैं, जो पिछले 3-4 दिन से जो शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा का पार्क है और जो चौक उनका बना हुआ है वहाँ पे उन्होंने पूरा साफ सफाई और उसका सजावट का काम किया, जिसमें उनको सहयोग म्यूनसिपल कमेटी के द्वारा भी मिला। जब मैं डीसी साहब से मिला था तो उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया था कि हमारी तरफ से भी कोई कमी नहीं रह पाएगी। लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि पार्क की देखरेख अब ये नहीं कि अगले साल तक ऐसे ही ठंडे बस्ते पे पड़ जाए, लगातार कमेटी भी जिम्मेवारी ले। और ये जो पार्क था, ये पहले इसका डिज़ाइन जब यहाँ पे ईओ अजमेर जी होते थे तो उन्होंने इसका डिज़ाइन जो था वो काफ़ी मतलब बड़े पैमाने पे था, जहाँ पे इनकी मूर्ति लगनी थी वो सेंटर में लगनी थी। तो उसका ही एक मैंने प्रपोजल की बात की है अभी डीसी साहब से कि उनकी मूर्ति को सेंटर में शिफ्ट करके और उस पूरे पार्क को शहीद स्मारक के तौर पे बदला जाए, जहाँ पे हमीरपुर के हर शहीद का नाम आए, जिससे हर परिवार को, जिसके घर में भी शहीद हुए हैं उनको अपना पर्सनल लगाव पैदा हो कि हमारे बच्चे का भी नाम यहाँ पे लिखा है, जिसमें मैं हमारी तरफ से कोई पूर्ण सहयोग होगा तो उसमें भी इसके लिए तैयार हूँ। मेरी डीसी साहब से बात भी हुई है इसके रिगार्डिंग, तो उन्होंने कहा है कि एक प्रपोजल बनाने को और उसमें आगे किस तरह से अब गतिविधियां होती हैं वो आने वाले समय में पता लगेगा। सर, उन्हें वीरता 1 जनवरी 2007 को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया, जो कि उधमपुर में
नदन कमांड में उनको मिला था सेना मेडल, और सेना मेडल वीरता मतलब जो इन्होंने अपना अदम्य साहस दिखाया था देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने का, वो 2007 15 जनवरी को आर्मी डे को मिला था। नहीं, मेरा यही पॉइंट है कि अगर शहीद स्मारक के रूप में इस जगह को बनाया जाता है, क्योंकि साथ में ही पार्क के साथ नाला है जो कि जहाँ पे लोग अक्सर कूड़ा ही फेंकते हैं, तो एक शहीद स्मारक, एक शहीद का पार्क है, उसके साथ में अगर गंदगी फैली रहे तो वो भी एक उचित बात नहीं है। और हमीरपुर में इस तरह का कोई स्मारक भी नहीं बना हुआ है, तो धर्मशाला के पैटर्न में अगर हम ये स्मारक बना पाते हैं तो ये अपने आप में हमीरपुर के जितने भी शूरवीर हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको एक सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। मैं बेसिकली अपने बारे में इतना कहना चाहूँगा, मैं रिटायर्ड कर्नल हूँ आर्मी से, और यहाँ पे सेटल हूँ। मेरा बेटा जो है कैप्टन रजत शर्मा, वो भी आर्मी ऑफिसर था, शहीद रखा है, गणतंत्र अवार्ड भी उसको मिला था राष्ट्रपति की तरफ से, उनके मेमोरियल बनाए। तो उसी सिलसिले में आज आप लोग भी आए, तो जो भी बात है बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम ये चल रही है कि लोकल से हमें कोऑपरेशन कोई खास नहीं मिलता था, तो इसलिए फिर मैंने जब हालात देखे तो मैंने काफ़ी साल पहले से डिसाइड कर दिया कि हर साल जो है हम, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए जो ये बना रखा है यहाँ पे मेमोरियल, और एक साथ में एक छोटा मेमोरियल चौक भी है, तो बेटे के नाम के ऊपर जो फिर कुछ एक बड़े कोऑपरेटिव जैसे लोग जो चाहते के हो, फिर आर्मी की तरफ से जो मैंने उनको बिल्ड कर रखा कि हर साल वो आप आएँ और यहाँ पर 4-5 दिन आते हैं, पूरा एरिया मेंटेन करते हैं, सारी देखभाल करके, और जो भी चुना चुना या जो भी है पेंट वगैरह लगा कर मेंटेन करके जो है वो तकरीबन 27-28 तारीख तक आ जाते हैं पूरी पट। और फिर जो है पैदी का फंक्शन होने के बाद में कि पैदी को शादी का दिन होता है बेटे, तो पैदी के बाद में ये 2 तारीख तक वो वापस निकल जाते हैं अपने यूनिट में वापस। तो हुई थी तो उन दिन जो साहब मेरे 3 पॉइंट्स थे लोकल गवर्नमेंट के साथ में, उनमें जहाँ पे मेमोरियल, इसके अलावा जो है एक स्कूल का नाम जो है, जो कि उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर बीरभद्र जी से उन्होंने एग्री किया था कि स्कूल का नाम प्रपोज भी हो गया था, ऑलमोस्ट एग्री हो गया था कि हमीरपुर का जो ये स्कूल है इसका नाम बेटे के नाम पे रखा जाएगा। बाद में फिजला होते ही होते रहे उन्होंने कुछ नहीं। ऐसे ही एक और पॉइंट था मेरी तरफ से था कि जो हम ओरिजिनली विलेज से बिलोंग करते हैं, जो कि यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर है, तो उस विलेज की जो रास्ता रहता है उसका नाम जो है कि सड़क का नाम रखने के लिए बोला, जिसमें कुछ इनका एफर्ट नहीं, बल्कि हाईलाइट बेहतर होता है उनके लिए, पर वो कुछ भी नहीं हो पाया। सिर्फ ये जो है स्टेफर्ड से हमने करवा दिया जो यहाँ पे एक मेमोरियल, उन्हें उसके लिए मैं जानता हूँ कि मैं 2-3 साल लगातार मेरे को जद्दोजहद करनी पड़ी है, बार बार शिमला में चक्कर काटने पड़े हैं, नहीं अंदर कैफर्ड करने पड़े हैं। खैर अभी ये पुरानी बात चल रखी है, मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि कोई नई चीज़ यहाँ से अभी हो। कार्यक्रम में भक्तों चलाए शुरू ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।